हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र व कर्मचारी नेताओं द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के दौरान हुए हंगामे के बाद पुलिस द्वारा की गई छात्र व कर्मचारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में बाड़मेर जिले के कॉलेज छात्राओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रा व कर्मचारी नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग की। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर छात्राओं के इस प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय में घुसने को लेकर छात्राओं व पुलिस के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस जाब्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्राओं की भीड़ को नियंत्रण में कर समझाइश की और छात्राओं को कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकाला। छात्राओं ने राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि राज्य में लगातार छात्रा व युवा विरोधी वातावरण बन रहा है। छात्राओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लोकतांत्रिक तरीके से जायज मांगों को मानना तो दूर, झूठे मामले दर्ज कर उन्हें फंसाया जा रहा है, जिसके विरोध में आज राज्य भर के कॉलेजों के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी पर किए गए सभी मुकदमों को वापस लेकर सम्मान रिहा करने की मांग की, साथ ही रिहा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की भी छात्रों ने चेतावनी दी है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए प्रवीण सिंह मारती छात्र नेता, इन्होंने ये कहा। पूर्व जय नारायण व्यास विद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह भाटी अपने युवा साथियों के साथ जो दीक्षांत समारोह हो रहा था, दीक्षांत समारोह के अंदर जो विश्वविद्यालय के पूर्व कर्मचारी है उनकी पेंशन के मुद्दे को लेकर वहां दीक्षांत समारोह के अंदर पहुंचे और अपनी जब बात रखने लगे तो वहां पर पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई और जो है वहां के विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनके ऊपर अनगिनत तरीके से पूर्णोचित तरीके से उनके ऊपर मुकदमे डाले गए। रविंद्र सिंह भाटिया और उनके अन्य साथियों को जो है जेल के अंदर बंद कर दिया गया। हमने आज उनकी रिहाई को लेकर प्रशासन के विरुद्ध ये मांग रखी है कि रविंद्र सिंह भाटी को समय रहते जो है रिहा कर दे, अन्यथा ये युवा तरुण है सड़कों के ऊपर निकलेगी और छात्र क्रांति की तरह पूरे प्रदेश भर के अंदर आंदोलन होगी जिसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।